होटल का कार्ड ले लिया आप लोग? ये रही ज्यादा करके बस में पहुंचने तक 8:30 से लेके 10:30 होगी। 10:30 बजे हम लोग वहां से स्टार्ट होंगे, तो हम लोग इंशाल्लाह नजफ आश्रम पहुंचेंगे 4 से पहले 4 o'clock, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि यहां से हम लोग सामरा जाएंगे। ये बंगाल में हम लोग साथ में जो है बंगाल में हम लोग सामरा जाएंगे, सामरा से बैक आएंगे बलद, बलद से अगेन हम लोग बंगाल आएंगे और कोई रास्ता नहीं है। बंगाल से हमारी बस गर्म आएगी दीवानिया से होते हुए, से बस तो नहीं जाएगी दीवानिया से होते हुए नजफ तक चलेगी, रूट तय है। इसलिए इतना टाइम लगता है क्योंकि चेक पॉइंट है, ट्रैफिक है, ये सारी चीज को देखते हुए। बाकी अगर हमारे नीड वगैरह नहीं उसका टेंशन नहीं होगा, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को पूरा सफर न कराए, ऐसा सफर न कराए, ये सारी चीज अवेलेबल रहेगी बस के अंदर इंशाल्लाह। हम लोग आ गए बलद, देखिए बस जा रहे हैं अभी यहाँ पे अंदर नमाज पढ़ेंगे, फिर वापस जाएंगे बस में, फिर यहाँ से जाएंगे समर्रा। रुके हैं सामर्रा, सामने है भाई, दिख रहे हैं, दिख रहा है ना, मुना तो दिख रहा है, संभाल के चढ़ाओ इस पे से। और ये बस स्टॉप से लेके सामर्रा का जो रोज़ा है इमाम का, बहुत लंबा डिस्टेंस है। बगैर सोए सुबह के हो गए 7, रात में 1 बजे निकले हम लोग, बलद गए, बलद 3 घंटे में पहुँचे, सुबह फजर वहाँ पड़े, फिर निकले वहाँ से, फिर यहाँ आए। और अब्बा को व्हील चेयर पर भी लाना देता है। सबकी हालत ख़राब है, कोई सोया नहीं है, कोई खाया नहीं है। बहुत दूर जाना बाकी है, जमान का रोहाना। एक मिनट
बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, ठीक है। देख रहे हो क्या है नीचे, इतनी बड़ी मस्जिद? नहीं तो अभी हम लोग आ गए रूम पे 8 बजे नजफ में। तो हम लोग निकले थे रात में 1 बजे। कहाँ से निकले थे अपन? काजमैन? नहीं नहीं, रात में अपन होटल से निकले थे। हाँ, होटल अलकुमेल से, काजमैन से निकले थे हम लोग। वहाँ से एक छोटी बस करके बस ने उतारी, फिर चल के बड़ी बस किए। बड़ी बस हम लोग को 3.5 घंटा लेके गई, पहले बलद, फिर बलद में फैमिली हम लोग की आधी आधी थी। फिर बलद में हम लोग ने ज़्यारत किए, उसके बाद में वहाँ से निकल के हम लोग गए सामर्रा। सामर्रा में बस ने बहुत दूर उतारी, अभी अरबईन में बस नज़दीक नहीं जा रही हरम के, तो बहुत दूर उतारी। और वहाँ से फिर हम लोग चलते 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 व्हील चेयर और प्रैम को धक्का देते देते हम लोग गए, और फिर ज़्यारत किए। ज़्यारत करके फिर वहाँ से वापस आए। वापस आके कुछ नाश्ता वहीं बट रहा था तो वो खाए 9:30 सुबह में। फिर वहाँ से हम लोग बस की तरफ गए, फिर बस वहाँ से स्टार्ट करी। फिर हम बस में थोड़ा सा नाश्ता किया हम लोग ने, और वो 9:30-10 बजे जो भी बस ने मतलब स्टार्ट करी है, उसके बाद हम लोग 12 घंटा सफ़र करते हुए अभी 8 बजे 7:30-8 बजे हम लोग नजफ पहुँचे हैं। अभी हम लोग होटल मिला है, अभी हम लोग एडजस्ट हुए हैं होटल में। अभी नहा धो के खाना खाने जाएंगे, और फिर आपको नजफ की भी ज़्यारत कराएंगे। आशूरे में आना आसान नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अरबईन में, आशूरे में नहीं, अरबईन में आना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फैमिली को लेके आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि सबको दूर उतारा जाता है अरबईन बोल के कि अरबईन है, बस नहीं है, अरबईन है, ये नहीं है। पर ठीक है, आना है तो फिर आना है, अब ये सब तकलीफ़ भी देखनी है। भूखे प्यासे बगैर सोए ज़्यारत किए हैं, बस मौला ज़्यारत कबूल करें। अभी जब नजफ जाएंगे तो नजफ की मैं वीडियो डाल के अपलोड करूँगा, आप लोग को नजफ की ज़्यारत कराऊँगा। और ये सब ट्रैवलिंग में और गर्मी में और बगैर सोए तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, पर जो भी था ये वीडियो में था, वो आप देखिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।